ऐ इंसान, तूने सबकी कदर की लेकिन अल्लाह ताला की कदर ना की। ऐ इंसान, तूने सबसे मोहब्बत की लेकिन अल्लाह ताला से मोहब्बत ना की। इसलिए तो अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कि जिस तरह तुम्हें अल्लाह ताला की कदर करनी चाहिए थी, तुमने अल्लाह की कदर ना की। अल्लाह ने तो हमें पैदा किया है और वह 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। और अल्लाह ही है जो अपने बंदों की तौबा का इंतज़ार करता है कि ये तौबा करें और मैं उसके गुनाहों को नेकियों में बदल दूँ। लोगों, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, जितने भी नबी पैगंबर, गौसे आज़म, गौस, कुतुब, अब्दाल, सिद्दीक, आरिबिल्ला, वलीउल्ला, कलंदर, ये जितनी भी हस्तियाँ, ये अल्लाह की पहचान के लिए अल्लाह ताला ने इनको दुनिया में भेजा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के पास एक औरत आई और अर्ज़ की कि अल्लाह ताला हमसे कितनी मोहब्बत करता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला, मौसम ठंडा था और आपने आगे आग जलाई हुई थी, तो उस औरत ने बच्चा अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, उसको समझाने के लिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने उसका बच्चे को जो है वो अपने ग़ुलाम को कहा कि इससे बच्चा ले लो और इसको आग में फेंक दो। वो औरत ने जब ये सुना कि हज़रत उमर ने ये कहा है, तो वो औरत बड़ी ही परेशान हो गई और उसने बड़ा बोलना शुरू कर दिया कि मैंने आपसे गलती कर ली, जो मैंने आपसे सवाल किया कि अल्लाह बंदों से कितनी मोहब्बत करता है, मैं आइंदा आपसे ऐसा कोई सवाल नहीं करूँगी, आप मेरे बच्चे को मुझे वापस दे दें, आग में ना फेंकें। उस औरत ने आगे से कहा कि आप मेरे पर एक एहसान कर दें, इस बच्चे को आग में ना फेंकें बल्कि इसकी जगह मुझे आग में फेंक दें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने अपने ग़ुलाम को कहा इसका बच्चा वापस दे दो, और फिर आपने उस औरत को कहा कि ऐ औरत, तू बच्चे को आग में, जब तूने सुना कि आग में मैं इसको फेंका जा रहा था, तो किस तरह तड़पना शुरू हो गई थी, तेरी इतनी तड़प जो थी तुझे मैं समझाने के लिए, मैं कोई आग में नहीं फेंकने लगा था, सिर्फ तुझे समझाने के लिए जितनी तेरी मोहब्बत अभी तेरे अंदर से निकली थी, इससे भी 70 गुना से भी ज़्यादा अल्लाह ताला अपने बंदे से मोहब्बत करता है।